गुड आफ्टरनून एवरीवन मैम, गुड आफ्टरनून मैम, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। चलिए बेटा, आप लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था चंदा गिनती भूल गया स्टोरी, सभी लोग पढ़े थे ना? हाँ, yes, चलिए इस सेशन में हम आप लोगों से उससे जो संबंधित प्रश्न है ना, उस प्रश्न पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? यस मैम, यस मैम। चलिए बेटा, बुक दिखने लगा? यस मैम। चलिए, बातों बातों में क्वेश्चन देख रहे हो ना सभी लोग? हाँ, चलिए, हाँ इस क्वेश्चन को तो आप लोग हाँ बताइए, अगर सूरज को गांव के बच्चे ना मिलते तो तारों को कैसे गिनता? मैम, पौधों की पत्तियां। अच्छा चलिए, दूसरा क्वेश्चन पे हम आएंगे, फोकस करेंगे। अगर चंदा को तारों की जगह इनको गिनना होता तो वह कैसे गिनता? अगर वह पानी की बूंदे को गिनना होता तो बताइए सिद्धेश। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों ने पिछले सेशन में भी डिस्कस हुआ था, चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए कि इन चीजों को अगर चंदा को गिनना होता, जैसे पानी की बूंदे गिनना होता तो कैसे गिनता, या सूरज की किरणों को गिनना होता, या पेड़ पौधों की पत्तियों को गिनना होता तो कैसे गिनना? ऐसे नहीं बेटा, अभी देखिए सब लोग अपना माइक बंद रखिए, जिसका नाम लिया जाएगा वही लोग बताएंगे, ठीक है? Yes, बाकी लोग बंद रखो, कोई यस नो नहीं बोलेगा, सभी लोग बंद रखेंगे, सभी लोग अपना माइक बंद रखे, सबको देख रहे हैं, सबका माइक बंद होना चाहिए, है ना? हाँ चलिए, अब हम जिसका नाम लेंगे वो लोग बोलेंगे। सिद्धेश को हमने कहा था, सिद्धेश yes, आप बताइए, पानी की बूंदों को गिनने के लिए चंदा क्या करेगा? आपको नहीं मालूम है, दिमाग भी लगा सकते हो। चलिए अभी आप बताएंगे बेटा, माइक बंद करो, कैसे गिनेगा पानी की बूंदे? माइक के पास आइए, इतना दूर क्यों बैठते हो? अभी अभी आप बहुत दूर बैठे हो, मोबाइल के करीब बैठो आप। यस मैम, मैम वो पानी की बूंदे को मैम जब बरसती पानी तो मैम वो मैम मैम गिन लेता। नहीं गिन पाता, पानी की बूंदों को कैसे गिन पाएगा कोई? मैम नहीं गिन पाएगा मैम। तो इसके लिए क्या विकल्प था उसके पास बताइए? मैम वो जितने दुनिया में और उसके मैम उस सबको देखेगा और इतने पता लग जाएगा कि जितने घर हैं उतने ही पानी की बूंदे हैं। वेरी गुड। अच्छा चलिए हर्षित आप बताइए, पेड़ पौधों की पत्तियां उसे गिनना होता तो क्या करता? मैम वो सूख जाता। मैं वो पेड़ सूख जाता। ओहो, पेड़ की पत्तियां गिनना होगा तो कैसे गिनेगा चंदा? मैं वो पेड़ सूख जाएगा।
आप स्पष्ट को नहीं समझ रहे हो। जैसे चंदा ने तारों की गिनना शुरू किया था, है ना, ऐसे ही अगर चंदा को तारों की जगह पेड़ पौधों की पत्तियां गिनना होगा तो कैसे गिन पाएगा वो? नहीं समझ में आ रहा है, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? वेदांत आप बताएंगे? मैम हम बताएंगे। आप ही बताओगे? और कोई मौका दो, कोई है बताने वाला? परी, वेदांत, हाँ, अमन, खुशी, कोई बताओ बेटा। अभिनव, परी, वेदांत ही बताओगे? चलिए अभी आप ही बताइए, कोई नहीं बताना चाह रहा है, किसी को आंसर ही नहीं। मैं वो पेड़ पौधों को देखता, वो कहता है जितने पेड़ पौधे हैं उतने ही पेड़ पौधों की पत्तियां हैं। ऐसे कहेगा, पेड़ पौधों की पत्तियों की तुलना वो पेड़ पौधों से ही लगा देगा। मैम वो घरों को देखेगा, मैम जितने मैम उतने पेड़ पौधे, जितना क्या है, कैसे बोली, जितना क्या मैम जितने पेड़ पौधों की पत्तियां हैं धरती पर, जितने बच्चे प्यारे प्यारे उतने ही पेड़ों में पत्तियां सारे। यस मैम। अच्छा, अब सूरज की किरणों को गिनना होगा तो कैसे गिनेगा? सूरज की किरणों को, दुनिया में स्कूल सारे उतने ही सूरज की किरणें, धरती पर जितने फूल हैं प्यारे उतने ही हैं सूरज की किरणें सारे, है ना? यस मैम, यस मैम। सभी लोगों को दिमाग लगाना चाहिए ना, सब लोग बैठे हैं, कोई भी बोल रहा है, हाँ? अब तो सब लोग समझ गए हो, अब तो सबको बोलना चाहिए। उन्नति आप बताइए, अगर चंदा को तारों की जगह पानी के बूंदों को गिनना होता तो क्या करता? सही बेटा, सिद्धेश आप मोबाइल सही करके बैठी है, बाद मोबाइल घुमाते क्यों हो? सिद्धेश मोबाइल तो सही कीजिए, आपका चेहरा कलर क्या है, मोबाइल को सही कीजिए पहले। रमा आप बताओगी? रमा यस मैम। बताइए बेटा। मैम धरती पे
जितने मैम क्वेश्चन क्या है सामने दिख रहा है अगर चंदा को तारों की जगह उनको गिनना होता तो कैसे गिनता पानी की बूंदे पेड़ पौधों की पत्तियां सूरज की किरणें रिया आप बताएंगी रिया मैम मैं एयरटेल मैम पानी की बूंदे को गिनना होता मैम वो घरों को गिनेगा मैम जितने धरती पे घर रहेगा मैम वो उतना उतना बूंदे रहे उतने बूंदे रहेंगी और कोई बताए अच्छा चलिए इसको छोड़िए अब हम आगे प्रश्न को बढ़ते हैं आसमान में चमकते तारों और टिमटिमाते तारों चमकते चंदा और टिमटिमाते तारों से जुड़ा अपना कोई अनुभव या कहानी बताइए आपने आसमान में चमकते चंदा और टिमटिमाते हुए तारों को देखा है ना यस मैम कोई आपका कोई अनुभव है उससे संबंधित कोई कहानी है आप तारों चंद्रमा से संबंधित कोई आपके पास अनुभव है कभी आपने कुछ फील किया हो या कोई कहानी हो कोई बताओ चारों तारे से जुड़ा अनुभव कोई है जब आपने टिमटिमाते हुए तारों को देखा हो हाँ बेटा पोयम है कौन सा पोयम है चमके तारे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे कभी दिखते ढेरों सारे नखरे करते खूब सारे चंदा के संग चलते रहते सर्दी गर्मी सहते रहते भाता इनके आना जाना आग झपकते झिट छिप जाना आंगन में हम खाट बिछाए देखो करते दूध नहाए कठिन पड़ा है इनको गिनना से ना हो सकता मिलना देखिए बेटा ये तो आप बुक का देख के बता रहे बुक में आपकी एक पोयम है यहाँ आपका पोयम ही पूछा जा रहा है अपना कोई अनुभव या कहानी बताइए कोई कहानी हो उससे जुड़ी हुई या आपका कोई अनुभव उससे जुड़ा हुआ उसको बताना है ये कविता तो आपके बुक में इसको तो पढ़ना है कविता नहीं पूछा गया है कोई कहानी नहीं है तारों चंद्रमा से जुड़ी हुई
चंदा ने देखा तारों से, तारों ने देखा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? प्रिया बेटा, कभी आप बाहर छत पे सोते रहे हो, आप कभी जो है तारों को गिनना चाहे हो, चंद्रमा की रोशनी फैली रही हो, तारों को गिनना चाहे हो, है ना, तभी आपको कोई टूटता हुआ तारा दिखा हो, आपने उससे विष मांगा हो, है ना मैम? हमने टूटता हुआ तारा देखा ना, देखा था? यस मैम। कुछ मांगा था उससे? मैम क्या फील किया था तारों को देखकर टूटते हुए? अच्छा चलिए, पिछले सेशन में हमने आपको सूरज और चांद ना होते तो क्या होता यह क्वेश्चन दिया था आप लोगों को। देखिए चुप नहीं रहना है सबको, दिया था कि नहीं दिया था होमवर्क में? मैम आप बता दीजिए। अरे हम जो पूछ रहे हैं बताइए, हमने वॉइस मैसेज करके आपको दिया था क्योंकि सेशन इन्होंने पूरे से पहले ही खत्म हो गया था नेटवर्क के कारण, इसलिए हमने क्वेश्चन को वॉइस मैसेज में आप लोग के ग्रुप में भेजा था। सूरज और चांद मैम मैंने राइट किया है, तो सबको करना था ना क्वेश्चन? मैम मैंने राइट किया है। आपने अपना किसने राइट किया है? यस मैम। मैम अगर सूरज चांद ना होते तो हम जीवित नहीं रहते, पेड़ पौधे ना होते, हर जगह अंधेरा होता। हर जगह अंधेरा होता? अभी आप बताइए क्या होता अगर सूरज चांद ना होते तो? मैम अगर सूरज चांद ना होते तो मैम हम जिंदा ना रहते, मैम कोई लालपन नहीं जीता रहता, मैम हम खाना नहीं खा सकते थे, और मैम पानी भी नहीं होता, मैम तालाब सूख जाता, मैम पेड़ पौधे नहीं होते, मैम घर नहीं होता। खुशी आप बताइए क्या होता? मैम अगर मैम चांद तारे ना होते मैम तो मैम हर जगह अंधेरा होता, और मैम सूरज चांद ना होते तो मैम हर जगह अंधेरा होता, और मैम पेड़ पौधे ना होते तो मैम तालाब सूख जाते हैं, हमें पानी नहीं मिलता। और कोई बताएगा? वेदान बताइए। मैम अगर सूरज चांद ना होते तो मैम दिन ना होता, रात ना होता, और मैम पेड़ पौधे ना होते तो हमको ऑक्सीजन नहीं मिलता। हर्षिता बताइए। मैम अगर सूरज चांद नहीं होगा तो पौधे नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले, मैम खा नहीं पाएंगे। अनुभव बताइए। अनुभव मैम, हाँ मैम अगर सूरज चांद ना होते तो हम जीवित नहीं रहते, हम सांस नहीं ले पाते, हम कुछ खा नहीं पाते। खा नहीं पाते क्यों? सूरज चांद आपको खाना खिलाते हैं? हाँ
मैम खाने के लिए कुछ रहता नहीं। देखिए बेटा सब लोग ध्यान से सुनेंगे, सूरज दिन में निकलता है, चांद रात में निकलता है, दिन रात होता है ना। अगर सूरज और चांद दोनों ही ना होते तो दिन और रात होता ही ना। सूरज न होता तो धरती जो है सूरज की किरणें न होती तो हमेशा अंधेरा छाया रहता। तो अगर सूरज नहीं रहेगा तो धरती पे अंधेरा रहेगा, तो यहाँ पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि सूरज से ही पेड़ पौधों को उष्मा मिलती है ना। धरती को उष्मा कहाँ से मिलती है? सूरज की रोशनी से ही मिलती है। और चाहो धरती बनती है। आपकी आवाज कट कट के आती है। मैम आपकी आवाज कट कट के अभी मेरी आवाज आ रही है, मतलब परेशान मत होइए, मेरी आवाज जा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, शोर मत मचाइए बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना, है ना। जैसे आप लोग का नेटवर्क गायब हो जाता है कभी कभी, इसे मेरा भी नेटवर्क गायब हो जाता है। हाँ चलिए, तो हमेशा अंधेरा रहता है ना, फिर जीवन ही नहीं होता, सूरज चांद ना होते तो। ठीक है, चलिए कलम की सवारी पे आते हैं हम। क्यों हुआ था ये? देखिए, दिए गए कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान बनाएं, और गलत कथन को ठीक करके लिखें। आपको लिखना भी रहेगा नोटबुक पे, ठीक है। तो चंदा रो तारों को गिनकर बहुत खुश होता था। यस मैम। नो मैम, नो मैम, नो मैम। हाँ, तो यहाँ पे कट करना है, क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है। तारों को गिनने में सूरज ने चंदा की मदद की थी, ये सही है गलत है? यस मैम, सही है। आप इस सही का निशान लगाएंगे। मैं पट्टी। हाँ, चंदा की तरह सूरज भी तारे नहीं गिन पाया, यहाँ क्या होगा? चंदा की तरह मैम क्रॉस। सूरज ने तारों को गिना नहीं, धरती पे जितने बच्चे प्यारे प्यारे वो तो गिन लिया ना। मैम गिना था। ये सही होगा। मैम तारों को गिनने के लिए मैम सूरज ने मैम चंदा से नहीं मदद मांगी थी, मैम चंदा ने सूरज से मदद मांगी थी। सूरज ने चंदा की मदद की, सूरज ने चंदा की मदद नहीं की थी। yes, तब फिर सूरज ने चंदा की मदद की थी, जब चंदा रो रहा था तब सूरज ने कहा तुम तो रो रहे हो, चंदा ने बताया था ना, तब तो कहा था कि इतनी सी बात है। तब तो सूरज गया चट्टान के पीछे ताका, पेड़ पौधों के पीछे ताका, उसे तारे कहीं नहीं दिखाई दिए। फिर दूसरे दिन वो घूमने निकला ढूंढने, तब उसे धरती पे बच्चे दिखे, बच्चे गा रहे थे, धरती पे बच्चे जितने प्यारे प्यारे, आसमान में उतने तारे, तभी तो पता लगाया था उसने, तो मदद की नहीं। यस सर, यस सर। मैम इन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा था। आसमान में अनगिनत तारे हैं, या सही है या गलत है? आसमान में अनगिनत तारे हैं। यस मैम, मैम सही है। सही है। देखिए बेटा, अनगिनत किसको कहते हैं? जो हम गिन नहीं सकते।
हाँ, इतने तारे हैं कि जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। सूरज ने तारों को कहाँ कहाँ ढूंढा, सूरज को तारे क्यों नहीं मिले? मैम उसकी रोशनी से। पहले प्रश्न समझिए, सूरज ने तारों को कहाँ कहाँ ढूंढा, जिससे पूछेंगे बताएगा, ऐसे आप लोग नहीं बोलना है। चलिए हम पूछते हैं जिसको बताएगा, सब लोग वीडियो ऑन रखिए अपना। खुशी आप बताओगी सूरज ने तारों को कहाँ कहाँ ढूंढा? माइक ऑन करके बताइए खुशी। मैम क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर टू है, सूरज ने तारों को कहाँ कहाँ ढूंढा? मैम देना शिवम बैठे हो तो शिवम यादव। मैम आकाश, मैम आकाश क्या आकाश? मैम पेड़ के पीछे नीचे। मैम पूरी दुनिया। देखिए बेटा आर्यन, आप कहा जाता है ना कि आप लोग माइक बंद करके बैठा करो, जिसको बोलना हो तो माइक ऑन करो नहीं तो बंद रखा करो। आपके समझ नहीं आता है बात। चलिए बेटा, परी ने बताया सूरज ने तारों को आसमान में ढूंढा, और कहाँ ढूंढा? पेड़ पौधे के पीछे ताका, चट्टान के नीचे ढूंढा, है ना। उसे तारे कहीं नहीं दिखाई दिए। अब रमा बताओ सूरज को तारे क्यों नहीं मिले? रिया आप बताओ, रिया वीडियो ऑन कीजिए। रिया सिद्धेश आप बताओ, आपको देख रहे हैं मोबाइल एक जगह नहीं रख पा रहे हो आप। सिद्धेश मोबाइल को क्यों टच करते हो? मोबाइल की जगह रख दो, उसको छुओ मत, मोबाइल से थोड़ा सा दूर हटके बैठा करो, बैठा बैठो। आप बताओ सूरज को तारे क्यों नहीं मिले थे? मैम क्योंकि मैम तारे मैम रात को निकलते हैं, मैम रात को दिखते हैं, और मैम जहाँ जहाँ सूरज जाता है मैम वहाँ क्यों हो जाते हैं। हाँ बेटा बहुत सही, बहुत अच्छा आपने दिया है कि सूरज को तारे इसलिए नहीं मिले क्योंकि जब सूरज निकलता है तो क्या होता है, सब जगह प्रकाश फैल जाता है, तब तारे नहीं दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि जब सूरज की रोशनी से तारे छिप जाते हैं। रहते तो हैं आसमान में ही तारे, तारे कहीं नहीं जाते हैं। आप लोग नोट कीजिए उसको, तारे दिन में भी आसमान में ही रहते हैं, रात को भी आसमान में ही रहते हैं, है ना। लेकिन होता क्या है, दिन में सूरज जब निकल आता है तो सूरज की इतनी प्रकाश होती है कि सब जगह उजाला हो जाता है, अंधेरा नहीं रहता है, इसलिए तारे की रोशनी में दिखाई नहीं देती, सूरज की रोशनी में तारे की रोशनी छिप जाती है।
लेकिन जब रात में सूरज जब चला जाता है तो रात होती है, तो उसके जाने पे तो रात होती है। जब रात होती है तो तारे हमें चिल्लाते हुए दिखाई देने लगते हैं, अंधेरा हो जाता है तब तो तारे की रोशनी में दिखाई देने लगती है। लेकिन जब अंधेरा नहीं रहता है, उजाला रहता है, तो तारे में नहीं दिखाई देते हैं, रहते हुए आसमान में ही है। ठीक है, हाँ बेटा, मैम चंद्रमा भी एक जगह पे रहता है, मैम धरती घूमती रहती है, कभी सूरज रहता है आसमान में, लेकिन और चंद्रमा मैम धरती के चक्कर काटता है। चंद्रमा जो है शिव जो है ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है, घूमता है, लेकिन तारे जो है वो हमेशा आसमान में रहते हैं उसी जगह पे। चलिए तारों को गिनने, सूरज भी अपनी जगह पे रहता है। हाँ सब लोग रहते हैं, धरती घूमती है ना, धरती घूमती है सूरज के चारों, yes, इसीलिए हमें रोशनी दिखाई नहीं देती है। सूरज भी आसमान में है, तारे भी है, चंद्रमा भी है, सभी आसमान में। घूमता कौन है? धरती। धरती के घूमने से जो पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने रहता है वहां दिन हो जाता है, जो सामने नहीं रहता है वहां रात हो जाती है, फर्क कितना ही होता है। ठीक है, तो तारों को गिनने में सूरज के अलावा चंदा की मदद और कौन कर सकता था? खुशी, अरे परी, सीओ मैम बताइए, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तारों को गिनने में सूरज के अलावा चंदा की मदद और कौन कर सकता था? मैम बादल। बादल कर सकता था, कैसे? मैम बादल जब मैम बादल भी इधर उधर जाके मैम वो भी देखता मैम, तब वो भी कहेगा कि धरती पर जितने बच्चे प्यारे प्यारे, आसमान में है उसमें ही तारे तारे। यस मैम, क्या बताइए कैसे मदद कर सकता था, कौन कर सकता था मदद? आप भी मोबाइल को ये जगह नहीं रखती हो, घूमती रहती हो, मोबाइल को मत टच करो। बताओ उन्नति, रमा बताइए, उन्नति नहीं बोल रही है, रमा बताइए। खुशी माइक बंद करके नहीं बैठ पाती हो, बार बार कह रहे कि अपना माइक बंद रखा करो, सब जिसको कुछ बोलना तो माइक ऑन करो, बगल से आवाज आ रही है। वेदांत आप बताइए, चंदा की मदद और कौन कर सकता था? कोई बताएगा? हाँ, ये सारे क्वेश्चन जो है इसको आप क्वेश्चन नंबर टू और थ्री
इसको आपको नोटबुक पे लिखकर भेजना है आज। आई समझ में सबको? देख रहे हो स्क्रीन पे सूरज ने तारों को कहाँ कहाँ ढूंढा, सूरज को तारे क्यों नहीं मिले, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, तारों को गिनने में सूरज के अलावा चंदा की मदद और कौन कर सकता था और वह तारों को कैसे गिनता। ये दो क्वेश्चन को आपको अभी नोटबुक में राइट करके उसका फोटो सेंड करना है, आज का होमवर्क है ये। यस मैम। समझ में आ रहा है ना सबके? यस मैम। बाकी बताइए, और सब तो समझ में आ गया है? और yes, और कुछ पढ़ा दे बातें भाषा की? अब समय नहीं है, अब तो अगले सेशन में हम करेंगे। yes, मैम कल? हाँ कल नहीं, कल छुट्टी रहेगी, परसों कल उठ देना है ना। yes, मैम। yes, मैम। तो क्लास नहीं चलेगी आपका जो है हिंदी का सेशन, एक दिन गैप करके होता है ना, एक दिन yes, होता है, तो कल yes, आपकी गैपिंग रहेगी। yes, ma'am. आपकी कल गैपिंग रहेगी, उसके बाद आप लोगों का क्लास रहेगा, उस दिन हम करवाएंगे बातें भाषा की, ठीक है। तब तक आप लोग बुक ले सकते हो जिन लोगों ने नहीं लिया है। yes. अच्छा बताइए बेटा, किसी को कुछ पूछना है, कोई प्रॉब्लम है? मैम फोटो सेंड कर दीजिएगा मैम क्वेश्चन का। क्वेश्चन का फोटो सेंड करें? यस मैम। मैम हमने स्क्रीन शॉट ले लिया। चलिए बेटा सेशन का समय समाप्त हो गया, सेशन इन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय बेटा।